उदयपुर में दो मुस्लिम युवकों द्वारा कन्हैया लाल की तेज धारदार हथियार से गला रोंद कर उसको मार डाला, जिसका विरोध करते हुए आज शहर में बजरंग दल ने दोनों मुस्लिम लड़कों का पुतला बनाकर शहर में घुमाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए और दोनों युवकों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी लगाई जाए, ऐसी मांग राजस्थान सरकार से की गई। शिवपुर से यूसुफ खान की रिपोर्ट। पुतला दहन किया है, किसका पुतला और किस कारण दहन किया? मैं नरेश ओझा हूँ, विभाग से ओझा हूँ बजरंग दल से। जैसा कि सर्वविदित है, पिछले कुछ समय में जिहादी आतंकवादियों द्वारा, इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा हिंदू युवाओं की, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, उनकी लगातार हत्या की जा रही है। पिछले समय में उदयपुर में जो हत्याकांड हुआ है, मैं ये चेताना चाहता हूँ हिंदू युवाओं को कि वह हत्या सामान्य हत्या नहीं है। जिस तरीके से वह हत्या की गई है, वह निश्चित रूप से देश, हमारे वर्ल्ड के खूंखार आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के पैटर्न पर की गई है। उस व्यक्ति की, हमारे भाई कन्हैया कुमार की जो हत्या की गई है, कन्हैया लाल की जो हत्या की गई है, वो उसका गला रेत कर वीडियो बनाते हुए और उन जिहादियों में उस बात का चैलेंज भी दिया है। मैं प्रशासन को भी बताना चाहता हूँ कि उस वीडियो में स्पष्ट कहा गया कि हम इसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी की भी हत्या कर सकते हैं। ये देश के संप्रभुतावाद को, देश की राष्ट्रीयता को, हिंदुत्व को और भारत देश की अस्मिता के लिए खतरा है। इसलिए मैं मांग करता हूँ राजस्थान प्रशासन से, दोनों आतंकवादियों को तत्काल गिरफ्तार करे और उन्हें तत्काल फांसी की सजा, ऐसी फांसी की सजा दी जाए जो आगे अगर कोई आता है तो उसके लिए एक मिसाल बने। हम सब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता इसके लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पूरे देश में आतंकवाद का पुतला दहन किया जा रहा है। इसी क्रम में शिवपुरी में भी ये कार्यक्रम किया गया। अगर ऐसी घटनाएं तत्काल नहीं रुकी तो हिंदू समाज भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए बाध्य होगा। आज हिंदू युवा अपने धर्म और देश की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, हम भी उन्हें जवाब देने के लिए तैयार हैं। जय जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।